हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस, इस वीडियो में आज हम लोग बात करने जा रहे हैं झंडू नित्यम टैबलेट और कायम टैबलेट के बारे में। तो गाइस, ये दोनों ही जो टैबलेट्स हैं ये पेट साफ़ करने के लिए यूज़ होती हैं, और मैंने पहले भी अपने चैनल पे पेट सफ़ा, झंडू नित्यम और कई सारी चीज़ों के रिव्यू किए हैं जो बहुत ही ज़्यादा वायरल हुए थे। तो मैंने आज सोचा कि फिर से इसी का एक रिव्यू किया जाए। तो गाइस, मैंने झंडू नित्यम टैबलेट भी यूज़ की है एंड कायम टैबलेट भी यूज़ की है, तो दोनों का रिव्यू देने जा रही हूँ कि कौन सी अच्छी है, आपको कौन सी ट्राई करनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो गाइस, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं झंडू नित्यम टैबलेट के बारे में। तो ये जो टैबलेट है कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में आती है, ये कार्डबोर्ड टाइप होता है, ठीक है गाइस। तो इसमें आपको 3-in-1 बेनिफिट मिलते हैं, ओवरनाइट रिलीफ मिल जाता है, इजी टू यूज़ है और आपके जो पेट में कोई क्रैम्प्स वगैरह नहीं होते हैं। इसमें कैस्टर ऑयल की शक्ति है, 100% आयुर्वेदिक इसमें आपको बताया जाता है। तो इसमें आपको जो चीज़ें ऐड करी गई हैं सब कुछ इसमें वैसे मेंशन है, मैं आपको एक बार बता देती हूँ। तो गाइस, इसमें जो है आपको ये जो टैबलेट्स हैं इसमें त्रिफला और एरेंट का ऑयल और सेंचल और हरीतकी सौंफ, ये ऐसी चीज़ें डाली गई हैं जो आपके पेट को साफ़ करने में हेल्प करती हैं और पेट की जो गैस वगैरह उसको ख़त्म करने में हेल्प करती है। तो ये काफ़ी अच्छी टैबलेट है, मैं इसको काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, तो मुझे तो काफ़ी अच्छी इसकी ये टैबलेट लगी। तो गाइस, ये जो पैकेट है ये मुझे 40 रुपीज़ का इसमें मेंशन किया गया है और उस पर 7 रुपये की छूट थी, यानी कि 7 रुपीज़ का ऑफ था, तो ये मुझे मिला था। और ये अंदर से इसमें ये जो टैबलेट्स हैं आती हैं, ये देखिए कुछ इस तरीके की टैबलेट्स आती हैं। अभी मैंने 2 टैबलेट्स ही यूज़ किए हैं। तो ये जो टैबलेट्स हैं काफ़ी मतलब फ़ायदेमंद है अगर आपका पेट साफ़ होना मतलब आपको करना है। उसके बाद हम बात करते हैं कि कायम टैबलेट के बारे में। तो ये एक इस तरीके का कार्डबोर्ड आता है, डब्बा टाइप, ठीक है। तो इसमें जो टैबलेट है ये पुरानी कब्ज, एसिडिटी, गैस, सरदर्द इत्यादि में बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है, ऐसा इस पर मेंशन किया गया है। तो गाइस, ये जो पैकेट, ये जो डब्बी है मुझे 110 रुपये की मिली है और इसकी जो सेल्फ़ लाइफ है वो 3 ईयर है, और इसकी भी सेल्फ़ लाइफ 3 ईयर ही है, दोनों की सेल्फ़ लाइफ 3 ईयर ही है। तो ये जो है टैबलेट्स इसमें आपको दी जाती हैं, तो 110 रुपये का ये पैक है और ये 40 रुपये का पैक है। इसमें आपको 10 टैबलेट मिलती हैं, और इसमें कितनी टैबलेट्स मिलती हैं ये भी मैं आपको आगे बताने जा रही हूँ। तो ये कुछ इस तरीके का डब्बी आती है, तो इसमें आपको 30 टैबलेट्स दी जाती हैं, और तो इसमें आपको 30 टैबलेट्स मिलती हैं, ये 110 रुपये का है और इसमें 10 टैबलेट मिलती हैं, तो ये 40 रुपये का है। तो गाइज, मैंने ये दोनों ही टैबलेट यूज़ की हैं और मैं दोनों का ही अच्छा आपको रिव्यू दूंगी जो मेरे हिसाब से है। तो गाइज, जो ये कायम टैबलेट है इसको मतलब दोनों का लेने का तरीका सिंपल है, रात को 1 या 2 टैबलेट आपको नॉर्मल पानी के साथ लेनी है या वेदर के अकॉर्डिंग, जैसे कि गर्मियाँ तो आप नॉर्मल पानी से ले सकते हैं और सर्दियाँ तो गर्म पानी से ले सकते हैं, और सुबह को आपका पेट क्लीन हो जाएगा। तो कायम टैबलेट्स अगर आप लेते हैं तो कई लोगों की शिकायत ये भी आती है कि इससे आपके पेट पे दर्द हो जाता है, बट मुझे तो ऐसा खैर कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई। बट मैंने जैसे रात को 2 टैबलेट्स ली तो सुबह को मेरा पेट क्लीन हुआ और काफ़ी तेज पेन हुआ कि जैसे कि मतलब आप एकदम से आपको कंट्रोल नहीं होगा और आपको तुरंत वॉशरूम जाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं दो बार मैं सुबह से वॉशरूम गई और पेट क्लीन तो हुआ बट इसके मुकाबले नहीं हुआ, ठीक है। अभी आपको पूरी बात मेरी समझ में आ जाएगी। तो पेट साफ हुआ बट मुझे थोड़ा प्रेशर लगाना पड़ा था, क्योंकि कई बार क्या होता है हम लोग बाहर का खा लेते हैं तो कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। तो मैं वीक में 1 टाइम ये टैबलेट्स मतलब पेट साफ करने वाले टैबलेट ज़रूर खाती हूँ, इससे वेट लॉस भी रहता है और आपके पेट की जो गंदगी है वो भी बाहर निकल जाती है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं झंडू नित्यम टैबलेट की। तो गाइस, ये मेरी फेवरेट बन गई है, मैंने पेट सफा भी यूज़ किया है, मैंने कायम चूर्ण भी यूज़ किया है। तो झंडू नित्यम टैबलेट्स जो हैं रियल में मुझे मतलब खाने के बाद ऐसा लगता है कि ये एकदम आयुर्वेदिक है, और शायद ये हो सकता है कि सूट करने के ऊपर बात है। मैं ये 2 टैबलेट्स लेती हूँ वीक में 1 टाइम, जैसे कि सैटरडे को ले लिया है, मतलब एक डे बना लीजिए कि हमें तब लेनी है, और मैं इसको लेती हूँ और सुबह को मुझे 2-3 बार वॉशरूम जाना पड़ता है और आराम से इजीली पेट भी
साफ़ हो जाता है और पेट में काफ़ी रिलीफ मिलता है। तो इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये कायम जो चूर्ण टैबलेट है ये पेट दर्द के लिए, सिर दर्द के लिए, एसिडिटी के लिए काम आती है। तो मुझे नहीं लगता कि इससे कुछ ऐसा वर्क होता है क्योंकि मैंने ऐसा फील किया है। और जो झंडू नित्यम टैबलेट है वो पेट साफ़ करने के लिए तो रियली में बहुत अच्छी है और इसकी कोई ऐसी आदत भी नहीं लगती कि आपको खानी ही है। अगर आप नहीं भी खाएंगे तो भी मतलब चलेगा, कि ऐसा नहीं है कि आपको उसके खाने की हुड़क लगेगी। तो मेरे हिसाब से झंडू नित्यम टैबलेट सबसे बेस्ट हैं अभी तक की। मेरे जो रिव्यू हैं झंडू नित्यम को मैं सबसे बेस्ट और टॉप पे रखूँगी। और कायम टैबलेट मुझे इतनी समझ में नहीं आई, तो क्योंकि कई बार क्या होता है हम लोग जैसे मैं तो एक हाउसवाइफ हूँ, जो लोग ऑफिस जाते हैं वर्किंग है वो लोग इन टैबलेट्स को खाना अवॉइड करते हैं। तो मैं उनको यही बोलूँगी कायम टैबलेट ना लें क्योंकि इससे एकदम बहुत ज़्यादा प्रेशर बनता है, पेट में दर्द हो जाता है, आप लोग कहाँ जाएंगे। और झंडू नित्यम भी है बट इतना मतलब इतना आपको प्रॉब्लम नहीं होगी कि बार बार आपको वॉशरूम जाना पड़ेगा, ये दिक्कत वो दिक्कत, इससे आप इजीली अपना पेट साफ कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर भी यही बोलूँगी जो पेट साफ करने वाले टैबलेट्स हैं वो आप ऐसे दिन लें कि अगले दिन आपका ऑफ हो, ऑफिस का, कॉलेज का, जो भी है, ताकि आपको घर में ही पेट आपका क्लीन हो जाए। तो गाइस अगर आपको ये मेरा रिव्यू अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।